क्या हुआ माधव, अकेले क्यों बैठा है? जाओ खाना खाओ। जी नहीं हरी सर, हमको भूख नहीं है। भूख नहीं है? बीमार उमार हो क्या? नहीं सर, बस भूख नहीं है। द्विवेदी जी, हम कई दिन से देख रहे हैं कि माधव अस्थि खाना नहीं खा रहा है। जरूर कोई बात इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। खाना नहीं खाता? ये क्या बात हुई? हमसे तो कुछ कहा नहीं उसने। हमको लगता है कि कोई बहुत बड़ा बात ही अपने पेट के अंदर दबा रखा है और फिर कहता है कि भूख नहीं। ठीक है, हम देखते हैं। माधव? जी सर। अरे माधव, ये हो क्या रहा है? उपवास है, भूख हड़ताल? दरअसल हम कुछ पैसे जोड़ रहे हैं सर, भूखे रहकर। खाने पीने के खर्चे के बाद तनख्वाह कुछ नहीं बचती। खाओगे नहीं तो तुम भी नहीं बचोगे, फिर ये तनख्वाह किस काम की? माधव, बात क्या है, इरादे क्या हैं? सर, पैसे हम खुद के लिए नहीं, अपनी अम्मा के लिए जोड़ रहे हैं। जमानत करवानी है उसकी। 19 साल से जेल में सड़ रही है वो। एक बार बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हैं उसे। माधव, तुम अपनी माँ के लिए जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने आप के साथ जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत। उनचास वर्षीय मीना अवस्थी को 19 साल पहले सन 1993 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मीना अवस्थी का 19 वर्षीय बेटा माधव अवस्थी अपना पेट काटकर पैसे बचा रहा था अपनी मां की जमानत करवाने के लिए, ताकि उसकी मां अपने बेटे के साथ अपनी बाकी की जिंदगी आजादी के माहौल में गुजार सके। माधव आजादी का मतलब समझता था, क्योंकि वो खुद जेल में पैदा हुआ था। हमारी अम्मा अपनी सजा का पहला साल काट रही थी जब वो हमको इस दुनिया में लाई। अम्मा ने बताया था, जेल के डॉक्टर ने हमको ये नाम दिया, माधव। अम्मा कहती थी जब हम उसके पास होते तब वो अपनी सारी बुरी यादें, दुख दर्द सब कुछ भूल जाया करती, कभी अकेलापन महसूस नहीं करती। 4 साल तक हम जेल में पले बढ़े अपनी अम्मा के पास। साहब, यही एक बजट जिसके लिए हम जिंदा रहना चाहते हैं, इसे हमसे मत छीनिए। मीना, उम्र कैद का सजा सिर्फ तुमको है, सिर्फ तुमको। इस बच्चे की जगह जेल में नहीं हो सकती। पर साहब, बच्चे की जगह उसके माँ के पास तो होती है ना, हमने बच्चे पर हमारा हक तो है ही। एक अच्छी परवरिश इस बच्चे का हक है, और इसको यह ना रखना मेरा फर्ज भी है। एक 5-6 साल का हो जाता हम हाथ जोड़ते, हम पर रहम करिए। तुम इस पे रहम करो मीना, ये एक नई और बेहतर दुनिया में जा रहा है, आजाद दुनिया में। हम इसके बिना नहीं जी सकते साहब। पर ये तुम्हारे बिना रह लेगा। माधव को लेने बाल घर से लोग आ रहे हैं। कब? आज दोपहर में। और सुनो, कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में तुम्हें बच्चे से मिलने दिया जाएगा। ये था हमारा नया घर, जैसे जेलर साहब ने कहा था, हमारी नई दुनिया, आजादी। अरे अरे, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, रात हो रही, चलो सो जाओ, जल्दी सो, लेटो।
से हमको स्कूल भेजते, कभी कभी अम्मा से भी मिलाने ले जाते। ऐसा करते करते कई साल निकल गए। अबे वो माधव, अभी के अभी मैडम बुलाई है, चलो भागो। माधव, तुम अगले हफ्ते 18 साल के हो रहे हो। जी मैडम। देखो, हम 18 साल के ऊपर यहाँ किसी बच्चे को नहीं रख सकते। जी। हम तुम्हें एक संस्था में भेज देंगे, वहाँ तुम रह भी सकते हो और वो लोग तुम्हें कुछ काम भी सिखा देंगे। कब जाना होगा मैडम? तो सातवीं पास हो? पूरी आठवीं भी कर ली है सर, बस पर्चा नहीं दिया। पर्चा दोगे और पढ़ाई करोगे? जी सर। तो फिर तुम पढ़ोगे, जितना चाहोगे उतना, और पढ़ाई के साथ साथ कोई काम भी सीखोगे, हुनर वाला। क्यों, पढ़ाई के साथ काम और काम के साथ पढ़ाई करोगे? जी जी करेंगे सर। तो ये है हमारी जिंदगी, ये है हमारा काम, और काम करके अपनी अम्मा को दुनिया दिखाना चाहते हैं, आजाद दुनिया। ले, 400 रुपये है, पिछला हफ्ता का मजूरी। वकील से बात हुआ? बहुत पैसे मांग रहे हैं अम्मा, कहते हैं जमानत की रकम भी काफ़ी होगी। बहुत पुराना केस है ना? हाँ, 19 बरस पुराना। हमारी तो जिंदगी निकल गई यहाँ। और कई साल बाकी हैं अम्मा, आज़ादी भी निकलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ना। मीना को जेल की सजा एक हत्या के केस में हुई थी। इस केस के बारे में माधव को कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, और उसकी मां का कहना था कि खुद उसे भी इस हत्या के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। आखिरकार उम्र कैद के 19वें साल में रिहाई की पहली किरण मीना अवस्थी की जिंदगी पर पड़ी, और वो भी एक दूसरे कैदी की बदौलत। को मालूम है, तुम जानना चाहते हो ना कि हमारी रिहाई कैसे हुई? हाँ, एक वकील है इलाहाबाद के, सत्यवीर दीक्षित, उन्होंने हमारा केस लड़ा। पैसा कितना लिए? एको पैसा नहीं। का हमारा भाई मिलने गया था उनसे। ये सत्यवीर दीक्षित ज्यादातर मानव अधिकार के केस लड़ता है। ये मानव अधिकार का होता है? वो तो हमको भी नहीं मालूम। हमको खाली इतना मालूम है कि मुफ्त में लड़े और हमारी रिहाई करवा दी। उनका कौनो अता पता, फोन बोल, हम माधो को दे देंगे, वो बात कर लेगा। हमको मालूम था तुम मांगोगी। ये लो, तुम्हारा भी काम बन जाए मीना। बहुत सजा काट ली। ओ गायत्री मैडम, जरा जल्दी, वरना पता चला यहाँ जेल से निकलते निकलते वहां रिहाई कैंसिल हो गई। तुम जाओगे ना इलाहाबाद? हम जाएंगे। हम वो गायत्री है ना जिसकी जमानत हुई, वो भी हमारी तरह उम्र कैद की सजा काट रही थी। इन्हीं वकील ने मदद की, वो भी बिना एक पैसा लिए। हम आज ही इनको फोन करते हैं अम्मा। सत्यवीर दीक्षित। मीना, मिलने का टाइम खत्म।
प्रणाम सर, हम माधव अवस्थी बोल रहे हैं आजमगढ़ से। क्या आप एडवोकेट सत्यवीर दीक्षित जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं, बोलिए। सर दरअसल हमें अपनी अम्मा के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। क्या हुआ आपकी अम्मा को? सर हमारी अम्मा आजमगढ़ उज्ज्वल महिला कारागृह में 19 साल से सजा काट रही है, उन्हें उम्र कैद हुई है। हमें आपका नंबर गायत्री सिंह जी से मिला, जिनकी आपने जमानत करवाई। सर क्या आप हमारी मदद करेंगे? देखो बिना केस को पूरी तरह स्टडी किए हुए हम कुछ भी नहीं कह सकते। एक काम करो, तुम इलाहाबाद आ सकते हो मिलने? हाँ सर, कब आए आपसे मिलने? शुक्रवार को 11:30 बजे सुबह ठीक रहेगा? हम पहुंच जाएंगे। प्रणाम सर। उम्मीद की एक किरण नजर आए कि अम्मा को जमानत मिल सकती है, जेल के बाहर की दुनिया वो देख सकती है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी अम्मा ने कत्ल किया भी था या नहीं। हमने कभी पूछा नहीं और अम्मा ने भी नहीं बताया। सर हम जेल के अस्पताल में पैदा हुए थे, 4 साल की उम्र में हमें बाल कर भेजा गया, 18 साल तक हम वहीं थे, फिर अभी लक्ष्य पुनर्वासन केंद्र में रहते हैं। उन्हीं लोगों ने काम सिखाया और काम दिलाया। उम्र कैद की सजा क्यों हुई तुम्हारी अम्मा को? सर कत्ल के जुर्म में। नाम क्या बताया था अम्मा का? जी मीना अवस्थी। अच्छा कहाँ की थी तुम्हारी अम्मा, मतलब कहाँ जुर्म कहाँ हुआ, गिरफ्तारी कहाँ हुई, कुछ पता है? कुछ नहीं मालूम सर, और ना हमने कभी जानने की कोशिश की। देखो माधव, अभी तक तुम्हारी दी जानकारी के अनुसार हमें ये पता चला है कि तुम्हारी माँ का नाम मीना अवस्थी है, जो इस वक्त उज्ज्वल महिला कारागार में उम्र कैद की सज़ा भोग रही हैं, पिछले 19 सालों से हैं। हम इसका केस पेपर निकलवा लेंगे। सर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। पैसे के बारे में कुछ मत सोचो अभी, पहले एक बार केस देख लेते हैं क्या, फिर बात करेंगे। जमानत होगी ना अम्मा की? बगैर केस को स्टडी किए हम कुछ नहीं कह सकते माधव। अगर जमानत होने लायक केस रहा तो पूरी ताकत लगा देंगे। तुम निश्चिंत रहो ठीक है। हम और अम्मा, बस हम दोनों ही एक दूसरे के, और हमारा कोई नहीं है सर। मोबाइल नंबर बताओ अपना। अभी हम लिए नहीं है सर, पर जहाँ रहते हैं वहाँ के सर हैं द्विवेदी जी, हम उनका नंबर आपको दे देते हैं। ठीक है यहाँ लिख दो। किस साल पहले सन 1991 मेबिलपुर गांव जिला लखीमपुर खेरी। 28 वर्षीय मीना अवस्थी अपने पति रामकुमार अवस्थी, 7 वर्षीय बेटे बबलू अवस्थी, 5 वर्षीय बेटी लक्ष्मी अवस्थी और अपने ससुर श्रीकांत अवस्थी के साथ रहती थी। 21 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था? पापा 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 हम भी चले आपके साथ, हम चौराहे से वापस आ जाएंगे। अच्छा आ जा जल्दी आ जा बैठो। अरे दे, टिफिन में तो लेते भी चाहिए ना। अरे लो ये भी छूट गया, इसको थोड़ा हम चौराहे तक छोड़ देंगे, टहलते हुए आ जाएगा ठीक है। अरे तोता आ गया, खाना खा गया। चल लक्ष्मी नहाने चल। कहानी के बाद माँ फिर क्या हुआ? हाँ तो तोता बोला कि मुझे पानी दे दो नहाने के लिए। अरे ये हो कर रहा है यहाँ पर? ए गुप्ता ज्यादा मनमानी ना दिखाओ हमको, समझे कि नहीं? सारा दुनिया जान रहा है कि तुम हमारा जमीन पे कब्जा किए हो, ये चापाकल बिठवा दिए हो और अब हमारा ये जमीन घेर रहे हो तुम। बकवास ना करो रामकुमार,
समझे? ये जमीन हमरा है, ये जमीन तोरा कभी था ही नहीं। अच्छा हाँ, तो सरकार का जो कागजात है हमरा पास वो सब रद्दी है, रद्दी में फेंक दे। अरे झूठा कागज पत्री पर लिखने से सच कब से होने लगा हो? अरे सच ये है कि तुम लोग सब चोर हो। ए चाचा फालतू बकवास नहीं, वरना उमर उमर का लिहाज नहीं करेंगे हम। ए गुप्ता, हम तुमको आखिरी बार समझा रहे हैं, इन नल का हटाओ यहाँ से और घेराबंदी हटाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कह रहे ये तो यहाँ से नहीं हटेगा, जो करना है कर लो। अरे रे रे रे, थोड़ा तो शर्म करो, एक तो सारा पानी खींच बैठा, वो भी हमरी जमीन का। ए मीनवा रहने दे, ये जमीन हमारी जमीन को लग के है, ना तुमरी है ना हमरी, समझ गई? लो ए, देखो खुद ब खुद कह रही है कि जमीन इसका नहीं है। अरे तुम्हारी भी तो नहीं है, इस जमीन पे चाहे हम पानी बहाए चाहे खून बहाए, हमारी मर्जी। आप हमारी बात सुनिए, जाते हैं पुलिस में शिकायत दर्ज करते ही खून बहाने की धमकी दे रहे हैं लोग। अरे रोज रोज पीट पीट के महाभारत शुरू करना बंद करो, अरे जो करना है सामने करो, ये लोग तुम्हारे सामने। जानलेवा हमला किया है इसने, चलिए पुलिस आने दो। हम जानलेवा हमला किया तुम पर, तुम जिंदा खड़ी हो हमरे सामने, अभी तो फूक मारे हैं, अगली बार पटक के ढेर कर देंगे, समझी? अंदर चलो। अरे अंदर ही रखो इसको, किसी दिन हमारा हाथ उड़ गया ना तो हमेशा के लिए हम पर हाथ चलाओगे, हम पर हाथ चलाओगे, आप जीने देंगे आपको, तुम देखोगे। अंदर चलो, सुनिए सरपंच जी से कहकर असली वाली कागज पत्री बनवाइए, रोज की जिक जिक से तो मुक्ति मिले। अरे इनका सर ना फोड़ दिया तो हमारा नाम नहीं दिखेगा। हाँ ठीक है, चलो ना, जो करना कर लीजिए। बच्चे को संभाल, चलो बेटा अंदर जाओ। चलो तुम लोग काम उपाय खड़े हो, काम करो अपना। योर ऑनर, इन दोनों परिवारों का झगड़ा गहरी दुश्मनी में बदल गया और ये दुश्मनी जानलेवा बन गई। योर ऑनर, मैं अपना पहला गवाह रामदास भटनागर को बुलाना चाहूंगा, जिसे मीना अवस्थी को कत्ल के बाद अंधेरे की तरफ भागते हुए देखा। हाँ रामदास, कत्ल की रात तुमने क्या देखा था? साहब जी, हम उस दिन खेतों से काम करके घर वापस आ रहे थे, बहुत देर रात हो गई थी साहब, तभी हमने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। ओ, मा, ने, 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 ने। ए, ए कौन है? ए रोक, ए रोक, ए, ए कौन है? ए रोक, ए रोक। सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, बवा उठ, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, ओ सुंदर भैया, सुंदर भैया, आपका बेटा अंकित बहुत बुरी तरीके से घायल है। कहाँ? अरे हुआ झाड़ियों में, बहुत खून बह रहा है, जल्दी चलिए। क्या हुआ जी? हमको क्या पता, उधर सब भाग के गया है। साहब, हम सुंदर भैया और उर्मिला भौजी को उस जगह पर लेकर गए थे, वहाँ से वो दोनों लोग अंकित को अस्पताल ले गए, पुलिस भी आई थी साहब अस्पताल में, और बच्चा मुँह दम तोड़ा था साहब जी। योर ऑनर, अंकित कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी मौत गला काटने से हुई है, पर आज से किसी दो दिन पहले यहाँ खड़ी आरोपी मीना अवस्थी ने मृतक अंकित की माँ उर्मिला को जान की धमकी दी थी। हम नहीं किए हैं। तो उस रामदास भटनागर को तुम्हारा नाम लेने का क्या जरूरत था? अरे वो एक औरत को देखा था, औरत तो कोई भी हो सकती है ना, सब समझ रहे हम ही सब किए हैं, मगर हम नहीं किए। पुलिस नहीं ना मान रही है, पुलिस कह रही है कि होता है कुछ परिस्थिति प्रमाण, उसके हिसाब से साबित हो रहा है कि अंकित का खून तुम ही की हो। इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इस बात को काफी स्पष्ट रूप से साबित कर रहे हैं कि कथित आरोपी मिसेज मीना अवस्थी दोषी हैं। ये कोर्ट श्रीमती मीना अवस्थी को 6 वर्षीय अंकित कुमार के मर्डर केस में दोषी करार देती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है।
दीदी, शब्द ही नहीं निकल रहे। निर्मला, बबलू और लक्ष्मी कैसे हैं? तुम्हारे जीजा जी तो आते ही नहीं हमसे मिलने। दीदी, जीजा जी और तुम्हारे ससुर जी और उनके तरफ वालों को लगता है कि तुम उनके परिवार पर कलंक हो। निर्मला, हम पेट से हैं। तुम्हारे जीजा जी हमसे कहे थे कि हमारे लिए अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। दीदी, वो तो होने से रहा। वैसे भी आज के बाद शायद हमारे लिए भी आना मुश्किल हो जाएगा। हमारी सास ने कहा है कि ये आखिरी बार है, आज के बाद कौनो नाता नहीं रखना है तुमसे। दीदी, तुम्हारे बारे में पूरा गांव, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर, मतलब परिस्थिति जन्य प्रमाण के आधार पर तुम्हारी अम्मा को उम्र कैद की सज़ा हुई है। इस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता था, कोई अड़चन नहीं थी इसमें। अच्छा, तुम निर्मला मौर्य, मतलब अपनी मौसी को, अपनी माँ की छोटी बहन को जानते हो? जी नहीं सर, अम्मा ने कभी कुछ बताया नहीं। तुम्हारी माँ के इस केस को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था आज से 19 साल पहले ही, लेकिन कोई सामने आया नहीं, ना तुम्हारे पिताजी ना तुम्हारे दादाजी। अच्छा, तुम्हें पता है कि नहीं, तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है, बड़ा भाई भी है, जो अब तुम्हारे जैसे बड़े हो गए होंगे। हमारे भाई बहन है? हाँ, देखो जब तुम्हारी माँ की गिरफ्तारी हुई थी ना, तुम उनके पेट में थे। हमें बड़ी हैरानी हो रही है, क्यों नहीं बताई ये सब बातें? खैर जाने दो। देखो, अभी हमें करना ये है कि हम तुम्हारे बिहाफ में कोर्ट में एक एफिडेविट दायर करेंगे। उसके लिए तुम्हारा पहचान पत्र लगेगा। कुछ है तुम्हारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिससे ये पता चले कि तुम मीना अवस्थी जी के ही बेटे हो? नहीं सर। माधव का जन्म जेल के हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन फिर भी उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनवाया गया था। इस केस में ऐसी कई चीजें थी जो अजीब थी और प्रो बोनो लॉयर सत्यवीर दीक्षित को खटक रही थी। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं वकील साहब आप हम पर? कोई इल्जाम थोड़े लगा रहे हैं जेलर साहब, एक सीधा सिंपल सवाल पूछ रहे हैं आपसे। हमारे मुवक्किल माधव अवस्थी का जन्म जब आपके ही जेल के हॉस्पिटल में हुआ, तो फिर इसका बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना? तो ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उस वक्त के जेलर कोई और थे? जेल तो वही है ना, जेल भी वही है, जेल का हॉस्पिटल भी वही है, जेल के रिकॉर्ड्स भी वही हैं। अब जेल के रिकॉर्ड्स फाइल थोड़ी ट्रांसफर हो जाते हैं जेलर के साथ। देखिए जेलर साहब, मसला ये है कि हमें अपने मुवक्किल के बिहाफ में कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करना है। उसके लिए इसका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ये बात साबित करने के लिए कि आपके जो कैदी हैं मीना अवस्थी, उनका बेटा है। इसी बात के लिए आपसे दरख्वास्त, जितनी जल्दी हो सके जारी कर दीजिए प्रूफ। अरे भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा आपको कि भाई वो ऑर्डर मैं नहीं दे सकता, जो चीज़ हमारे कार्यकाल में नहीं हुई है उसका दोष या इसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते, समझे आप? सब समझ गए सर। अब ये क्या है? ये है 94 की केस की फाइल, ये देखिए। हमारे मुवक्किल के गिरफ्तार होने के 8 महीने बाद ये बेल ऑर्डर पास हुआ था। हमारा सवाल ये है कि ये कॉपी आपके पास क्यों नहीं है, कि ये भी हमारे मुवक्किल के बर्थ सर्टिफिकेट की तरह गायब हो गई। देखिए वकील साहब, फिर से दोहरा रहे हैं हम आपसे कि जो कुछ भी हुआ उस वक्त के जेलर की देखरेख में हुआ, हमारी देखरेख के सारे रिकॉर्ड अपडेट, और किसी भी कैदी को हमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं उम्मीद थी कि आपका यही जवाब आएगा। चलिए फ्लैशबैक को छोड़ते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में आप इस जेल के जेलर हैं और हमारी मुवक्किल जो है आपके कैदी हैं, और हम अपने मुवक्किल के वकील हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं, मिलवाइए या फिर उन्हीं जेलर साहब से परमिशन लाना पड़ेगा। अम्मा,
ये हैं वकील साहब, सत्यवीर दीक्षित जी। तुम इनसे मिलना चाहती थी ना, देखो ये खुद ही तुमसे मिलने आ गए। नमस्कार। बैठे। बड़ी अजीब बात है मीना जी, 1994 में आपकी छोटी बहन निर्मला मौर्य ने आपकी जमानत की अर्जी दी और अर्जी मंजूर भी हो गई। श्रीमती मीना अवस्थी की तरफ से कोर्ट में कोई है? ये लगातार तीसरी बार हुआ है कि श्रीमती मीना अवस्थी की बहन निर्मला मौर्य द्वारा फाइल की गई मीना अवस्थी की बेल एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है और उसे चैलेंज करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए ये कोर्ट श्रीमती मीना अवस्थी की बेल एप्लीकेशन को मंजूर करती है और उन्हें बेल ग्रांट करती है, ये देखते हुए कि उनका 3 महीने का एक बच्चा है। शायद सरकारी वकील को आपके केस में खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए आपकी जमानत का विरोध करने के लिए कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। देखिए, यह बेल ऑर्डर आपका 1994 का, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह बेल ऑर्डर जेल अधिकारियों तक तो कभी पहुंचा ही नहीं, ना ही निचले कोर्ट से कोई जज आया आपका हाल चाल लेने, जबकि यह उनका कानूनी फर्ज है। हमारी बहन निर्मला, उसको उसके ससुराल वाले कहे थे हमसे रिश्ता तोड़ने के लिए, फिर भी हमारी जमानत की अर्जी दी होगी, शायद बेचारी अदालत में पेश नहीं हो पाई होगी और ना ही हमको बता पाई होगी। बरेली में कहीं रहते हैं, पता नहीं है हमारे पास, होता भी तो का होता, जब रिश्ता ही ना रहा तो पता होने से का फायदा। माधो, हम तुमको तुम्हारे बाबा के बारे में नहीं बोले कहे कि वो तुमको मंजूर नहीं किए थे, तुमको बेटा कहने से इनकार किए थे। अब आप निश्चिंत हो जाइए मीना जी, हम आपकी ओर से एक पिटीशन डालेंगे कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए, और देखिएगा केस लंबा जाएगा नहीं और जीत भी हमारी होगी और आपकी रिहाई होगी। इलाहाबाद कोर्ट में तुम्हारी अर्जी डाल दी है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी बताते रहेंगे, है ना? चिंता मत करो, बहुत जल्दी अपनी अम्मा के साथ रहने लगोगे, है ना? सब ठीक हो जाएगा। योर ऑनर, हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी जी पिछले 19 साल से जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रही हैं। उनका बेटा है ये माधव अवस्थी, ये जेल में ही पैदा हुआ, 4 साल तक माँ के साथ रहा, बाद के 15 साल वो बाल घर में अकेला रहा और 18 साल का हो जाने के बाद उसे 1 लक्ष्य पुनर्वसन केंद्र में भेज दिया गया, जिसकी निगरानी में अभी रह रहा है। हमारी दरख्वास्त है कि हमारे दोनों मुवक्किल का इसके से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई भी दोष नहीं है। दोष कैसे नहीं था, मर्डर केस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई थी। सर गौर से पढ़ेंगे चार्जशीट तो उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि पूरी हियरिंग, पूरी सेंटेंसिंग मात्र सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। एकमात्र आई विटनेस है जिसने क्राइम सीन से एक औरत को भागते हुए देखा था। ए, कौन है? ए, रोक, ए, रोक, ए। और सर चौंकाने वाली बात यह है कि उस एकमात्र आई विटनेस ने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि क्राइम सीन से जो औरत भाग रही थी वो हमारी क्लाइंट मीना अवस्थी ही है। लेकिन क्योंकि मृतक अंकित कुमार की फैमिली और हमारे क्लाइंट की फैमिली के बीच लैंड डिस्प्यूट था काफी समय से, उसका फायदा उठाते हुए मृतक के परिवार वालों ने एक इल्जाम लगा दिया हमारे क्लाइंट के ऊपर। उस समय के माननीय कोर्ट ने भी बिना और सब्सटेंशियल एविडेंस के आधार पे सीधे उसे एक्सेप्ट कर लिया। सर ये मर्डर केस है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का केस है और एविडेंस ओनली सर्कमस्टेंशियल। तो मीना अवस्थी बेल एप्लीकेशन करती,
इतने साल क्यों लगे? आज से 19 साल पहले सन 1994 में हमारे क्लाइंट की छोटी बहन निर्मला मौर्य ने अर्जी डाली थी, लेकिन लगातार 3 सुनवाई तक ना तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई आया, ना ही डिफेंस की तरफ से। तो तत्कालीन जज महोदय ने 5,000 की श्योरिटी के आधार पर एक बेल ऑर्डर भी पारित किया था। तो फिर क्या सर, कुछ नहीं हुआ। जो बेल ऑर्डर पारित किया गया था वो जेल अथॉरिटी से कभी पहुंचा ही नहीं, और तो और निचली अदालत से भी कोई जज नहीं आया हालचाल लेने के लिए या ये चेक करने के लिए कि जो बेल ऑर्डर पारित हुआ था उसके आधार पर रिहाई हुई भी या नहीं। ये रहा सर पेपर। बेल की एप्लीकेशन करने वाली निर्मला मौर्य बतौर गारंटर सामने आई नहीं, 5,000 की श्योरिटी भरी नहीं गई। हाँ सर, वो एक्चुअली हुआ ये कि निर्मला मौर्य जी ने हिम्मत तो दिखाई, मानवता के नाते अर्जी डाली बेल के लिए, लेकिन उनके ससुराल वालों ने पाबंदी लगा दी उन पर, तो बेल की आगे की प्रक्रिया वो पूरी कर नहीं पाई, और हमारे क्लाइंट के जो पति हैं राम कुमार अवस्थी जी, वो कभी सामने आए ही नहीं। उन्होंने ये मान लिया कि सजा हो गई है तो पूरे ख़ानदान पे कलंक लग गया है। सर बाकी लोगों ने तो जो किया तो किया ही, लेकिन हमारे अपने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की हमारे क्लाइंट के साथ। देखिए ना सर, मात्र 5,000 के मुचलके के नहीं भरे जाने के एवज में 19 साल से सजा भोग रही हैं। एकाकी जीवन, दर्द, डर, इसकी सजा सिर्फ हमारे क्लाइंट को ही नहीं मिली है बल्कि उनके निर्दोष बच्चे माधव अवस्थी को भी मिली है। 19 लॉन्ग मिजरेबल ईयर्स। दूसरी बात यह है योर ऑनर कि समाज, परिवार और कानून ने तो जो नाइंसाफी की वो तो की ही हमारी मीना अवस्थी जी के साथ, लेकिन उनके निर्दोष बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जैसा कि हमने पहले बताया था, इसका जन्म जेल के हॉस्पिटल में ही हुआ। 4 साल तक माँ के साथ रहा, फिर बाद के 15 साल अकेले बालघर में रहा, और जब 18 का हो गया तो एक लक्ष्य पुनर्वसन केंद्र में भेज दिया गया, जिसकी निगरानी में वो आज भी रह रहा है। माँ बाप भाई बहन के होते हुए भी एक बच्चा अनाथ, एक यतीम की जिंदगी जी रहा है, और ये 19 साल की सजा सिर्फ हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी को ही नहीं मिली, ये सजा उनका निर्दोष बेटा माधव अवस्थी भी झेल रहा है। योर ऑनर, हम अपने क्लाइंट मीना अवस्थी और माधव अवस्थी की तरफ से आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इन्हें आगे की जिंदगी साथ बिताने दी जाए, एक बेहतर जिंदगी का मौका दिया जाए, इन्हें इनका मानवाधिकार मिले, और सबसे बड़ी बात सर, हमारे क्लाइंट मीना अवस्थी की रिहाई माधव अवस्थी के लिए भी उसके अनाथ होने से, उसके यतीम होने से रिहाई होगी। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माधव, हमने शुरुआत तो अच्छी कर दी है। हमारी अम्मा की जमानत होगी ना सर? जमानत की मांग तो हमने की नहीं है, हमने रिहाई की मांग की है, पूरी रिहाई की। बैठो। हाँ सर, आपने हमारी अम्मा का केस पढ़ा, आपसे एक बात पूछते हैं, क्या हमारी अम्मा ने किसी का कत्ल किया था? देखो, ये पूरा केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है। तुम्हारी अम्मा ने शुरू से ही कत्ल से इनकार किया है, पर हाँ, उस अंकित कुमार नाम के बच्चे का कत्ल हुआ ज़रूर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और कोर्ट का फैसला, तीनों में तुम्हारी अम्मा को गुनहगार बताया गया। हालांकि हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हमारे लिए मुद्दा ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारी अम्मा को बेल मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, ये उनका हक था। तुम्हें एक बेहतर ज़िंदगी मिलनी चाहिए थी जो तुम्हें नहीं मिली, ये तुम्हारा हक है। तो हम हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के आगे रहम की भीख नहीं मांग रहे। जी हमने कभी पूछा नहीं अम्मा से कि उसने कत्ल किया था या नहीं, कभी पूछेंगे भी नहीं। पर एक बात है जो हमारे मन से नहीं निकल रही है कि हमारे बाबा हैं, एक बहन है, एक बार उन्हें देखने का दिल करता है। बरेली बोले थे और कुछ नहीं कहे। कभी मन करता है कि मिले उनसे, कभी मन करता है कि एक बार देखे उनको, फिर सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएंगे। बाबा चाहते ही नहीं है हमको। तुम हमारा बेटा हो, तुम्हारे माँ बाबा दोनों हम ही हैं।
वो तो कभी थे ही नहीं हम दोनों के लिए, और जॉन आदमी कभी था ही नहीं, उसका का गम करना। अम्मा, वकील साहब बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जल्द होगा, और बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। वकील साहब बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जल्द होगा, और बोल रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हमारे हक में होगा। बढ़िया होगा ऐसा होगा तो, ये सारा संघर्ष उसी के लिए तो है ना। अम्मा की रिहाई के बाद क्या हम उनको यहाँ ला सकते हैं रहने के लिए? हमारे पास और कोई जगह नहीं है। फिक्र मत करो माधव, हम कोई ना कोई इंतजाम कर देंगे। जब तक रहने की जगह नहीं है तब तक तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। धन्यवाद सर। इस केस में गलतियां हुई हैं और जरूरत है कि उन गलतियों को सुधारा जाए। यह कोर्ट मीना अवस्थी की तुरंत रिहाई का ऑर्डर देती है और इस पिटीशन को बतौर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानते हुए स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट जेल के उन सभी केसेस में स्टेटस रिपोर्ट का ऑर्डर देती है जिनमें कैदियों को बेल का हक मिला ही नहीं या फिर बेल के बाद उनकी रिहाई हुई नहीं। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने रिलीज रिपोर्ट क्लियर किया। जेलर साहब, मीना अवस्थी को अब आप एक मिनट भी अंदर नहीं रख सकते। रिहाई तो हो चुकी है। जेलर साहब, क्या आप ये हमारी अम्मा को दे सकते हैं? मीना, ए मीना, चल आज तेरा भी नंबर आ गया। सच्ची आज आज हमारी रिहाई का दिन है। ये तुम्हारे बेटे ने दिया है तुम्हारे लिए।
कुमार अवस्थी जी का। आ बैठो। पता चल गया उनका, बरेली में है, उनका पूरा एड्रेस है हमारे पास। हमको नहीं लगता है कितना बरस बाद वो जरा सा भी बदले होंगे। हाँ बदले तो नहीं हैं, बात की है हम उनसे, पूछा आपकी बेटी के बारे में तो मना करने लगे कि उनसे संपर्क ना करें, बसा बसाया घर है। हमने कहा हम कौन होते हैं मना करने वाले, मीना जी बताएंगे मिलना है कि नहीं मिलना है। उनका फ़ोन नंबर है हमारे पास, आप ले लीजिए, बात कीजिए, बोलिए कि बेटी से मिलना है, आपका अधिकार बनता है। वकील साहब रहने दीजिए, ये जिंदगी में हमको जितना अधिकार मिलना था वो मिल गया, काफ़ी है, और कौनो अधिकार नहीं चाहिए। हम तो बस अपने माधव के पास रहे, इसको बहुत ही प्यार करें बस, और कुछ होना ही चाहिए। मीना के पति रामकुमार ने मीना से दूर हुए 7 साल पूरे होने के पहले ही दूसरी शादी कर ली थी, जबकि उन दोनों के बीच में लीगल सेपरेशन नहीं हुआ था। वकील की सलाह पर मीना ने अपने पति से मुआवजे, लिविंग एक्सपेंस और एक घर की मांग की थी, जहां वो अपने बेटे माधव के साथ रह सके। रामकुमार ने मीना और माधव को अपनी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे दिया। फिलहाल मीना और माधव मीना के पति रामकुमार के बरेली वाले घर के एक हिस्से में रहते हैं, और दूसरे हिस्से में रामकुमार अपनी दूसरी पत्नी और उसके बच्चों के साथ रहता है। माधव इस वक्त एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। मीना और माधव की तरफ से प्रशासन से भी अपील की गई है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा माँ बेटे को कॉम्पनसेशन प्रदान किया जाए। बड़े दुख की बात है कि प्रशासन के कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मीना के हक की जमानत उससे वंचित रही। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये कोई इकलौता केस नहीं है। आजादी के 68 सालों के बाद भी आज हमारे देश में ऐसे हजारों केसेस हैं जहां हर रोज इस वक्त किसी की रखी जा रही है तो किसी का बचपन कैद में है। मीना अवस्थी की पिटीशन ने हमारे देश के लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को झकझोड़ कर रख दिया है। लोअर कोर्ट्स को ऐसे इनमेट्स की क्वार्टरली रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट करनी होती है। कानून के हिसाब से लोअर कोर्ट के जज को रेगुलर व्यक्तिगत रूप से जेलों में जाना चाहिए निरीक्षण के लिए। अगर मीना के केस में ऐसा किया गया होता तो 19 साल पहले ही मीना की रिहाई हो चुकी होती और माधव एक प्यार भरे घर में पला बड़ा होता, ना कि रहम की चार दीवारों के बीच। जिस वकील ने मीना का केस लड़ा था वो इस वक्त उसी जेल में एक दूसरी इनमेट की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो पिछले 23 साल से जेल में है और उसकी बेटी ने अब तक एक बार भी आजाद दुनिया में कदम नहीं रखा है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और याद रखें, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।